हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आपका दोस्त गुलजार आज आपको लेकर चलने वाला हूं दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां लगा है कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो। जो 13th एडिशन है ये इसका, और 8th स्मार्ट सिटी एक्सपो यहां लगा हुआ है। साथ ही मोबाइल एक्सपो लगा हुआ है यहां पे, और आपका डाटा एंड सिक्योरिटी, इंटरनेट, इन सभी चीज़ से रिलेटेड जानकारी और इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ लेने वाले हैं। और जो भी प्रोडक्ट हैं उनके इनोवेटिव, वो सारे देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हॉल नंबर 5432 में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। गेट नंबर 4 से आप एंट्री करेंगे, और यहाँ से एंट्री करते ही अंदर में ही ये हॉल है। तो साथ ही पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जिन 800 कंपनी प्लस 200 प्लस स्टार्टअप यहाँ आए हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट लेके। तो बिना देरी किए चलते हैं अंदर। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ये कुछ मोटर्स इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, जिसमें कार्स हैं, कुछ कमर्शियल व्हीकल हैं, और भी सारी चीज़ें जो मोटर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपो के अंदर। तो इसमें दिखाने की कोशिश ये की गई है कि ट्रांसपोर्ट इंडिया किस तरीके से बदल रहा है। अब जो कि ईवी मॉड्यूल की तरफ में मूव कर रहे हैं हम लोग, इंडिया हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव होने वाला है धीरे धीरे। तो बेसिक ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखानी चाहिए कि जो कमर्शियल व्हीकल भी हैं वो भी किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में मूव कर रहे हैं। और ये जो कार सेगमेंट है काफ़ी लग्जरियस वगैरह, वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक में मूव हो रहा। तो ये कार अभी मारुति ने रिसेंटली मतलब लॉन्च नहीं करी है, बट ये 2025 तक आने वाली है इनकी, और काफ़ी मतलब फर्स्ट और बेहतरीन इनको बनाने की कोशिश की गई है। तो उसका इन्होंने एक डिस्प्ले भी यहाँ पे किया हुआ है, जो मोटर एक्सपो में भी लगाया गया था यही सेम मॉडल, तो उसको इन्होंने यहाँ भी डिस्प्ले किया है। तो और भी बाकी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने जो नए सेगमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली बनाए गए हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स से चार्ज करके चलाएँगे मार्केट में आने वाले टाइम के अंदर। तो वही सारी चीज़ें देखते हैं। न्यू वर्जन है जो कि बैटरी में निकाला है, और धीरे धीरे सारी कंपनियां के ईवी की तरफ मूव हो रही हैं, जैसे अभी मारुति का देखा हमने, और ये फिर ये हुंडई का है, तो इस तरीके से, और जैसे वॉल्सवैगन वगैरह भी अभी दिखाने वाले हम। तो इस तरीके काफ़ी सारी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव हो रही हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है हमारा वो सारा इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होता जा रहा है कि हम ईवी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ईको फ्रेंडली है, और इससे काफ़ी मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर इन चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। ये हम देख रहे हैं सामने, ये MG मतलब मॉरिस गार्गिस का न्यू मॉडल है, जो ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है दोस्तों, ये भी ईवी में लॉन्च किया गया है। और यहाँ भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ अपना, यही चीज़ दिखाने की कोशिश करिए कि ईवी पे ये भी फोकस कर रहे हैं, और इनकी भी न्यू सेगमेंट में आने वाले टाइम में काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो ईवी में आने वाली हैं। तो इसका भी लुक देखें आप, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी इको फ्रेंडली है, और सिस्टम को जो हमारा एक एटमोसफेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको सेफ़ रखने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ये गाड़ियाँ। अब जैसे ये सामने देख रहे हैं आप, ये वॉल्सवैगन है, ये वॉल्सवैगन का अभी न्यूली लॉन्च गाड़ी है इनकी ये भी, बट ये ईवी में नहीं है दोस्तों, ये पेट्रोल या शायद डीजल में है। और इन्होंने भी काफ़ी मतलब अभी चेंज करने की कोशिश करी है कि हाँ ये भी ईवी में लाने वाले हैं। तो ये भी इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, टाइगोन है इनका ये मॉडल, और साथ में इन्होंने दूसरी गाड़ी एक ये भी इन्होंने यहाँ डिस्प्ले की हुई है, वाइट वाली देख रहे हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मॉडल यहाँ पर। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ देख रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा ये सामने आप देख रहे हैं सर्वोटेक। इस सर्वोटेक एक बेसिकली आप देख रहे हैं सामने आपको ईवी चार्जर लगे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, तो ये कंपनी ईवी चार्जर बनाती है। इनके अलग अलग रेंजेस 7 kV, 10 kV एंड 14 kV, तो ये अलग अलग स्पीड्स वाले मतलब फास्ट चार्जिंग के अलग अलग चार्जर यहाँ इन्होंने बनाए हुए हैं। और भी इनके काफ़ी सारे जो चार्जर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करेंगे, जैसे इस तरह के सिस्टम जगह जगह ये लगा रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करके, कुछ गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, और ये कुछ चार्जर हैं इस तरह के, लोग अपने घर पे भी
इनको लगा सकते हैं घर पे चार्ज करने के लिए, या फिर आप प्राइवेटली कहीं पर भी आपके पास अगर स्पेस है तो वहाँ पर आप ये चार्जिंग स्टेशन इस तरह के खोल सकते हैं इनके साथ टैप करके। सो फ्रेंड्स, ये स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश का वो बना हुआ है स्टॉल, तो यहाँ पे देखते हैं अंदर किस तरीके से स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट और कहाँ कहाँ पे इनका सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहा है। भाई वाह, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या डिस्प्ले किया हुआ है सर? ओके, एंड ये कॉन्जर्वेशन, हम लोग का आर्ट कॉन्जर्वेशन का स्पेशलाइजेशन है, वी डील इन पेपर बुक मैन्युस्क्रिप्ट वॉल पेंटिंग्स एज वेल एज कैनवास पेंटिंग्स। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोग के अलावा लाइब्रेरी सर, दिस इज ऑनगोइंग वर्क। ये आपके बिफोर वाला कंडीशन हो गया जो उस साइड है फर्स्ट वाला, हमें कुछ ऐसे कंडीशन में मिलता है उसके बाद जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं। बोथ आर ओरिजिनल्स, ऐसा नहीं कि एक ही प्रिंटेड है, लोग अच्छा सोचते थे कि इतना साफ है लेकिन दोनों ओरिजिनल सेम मशीन का। और बाकी क्या चीज़ चल रहा है सर? स्मार्ट सिटीज़ के, स्मार्ट सिटीज़ के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। ओके, हेलो सर, ये बताएंगे क्या चीज़ें किस? ये आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक प्रोजेक्ट है जिसमें ताजगंज, ताजमहल के पास में रहने वाले ताजगंज की कम्युनिटी जो हैंडीक्राफ्ट में और हैंडमेड वर्क में काम करती है उन लोगों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। मार्बल इनले है, ये जो है जरदोजी है, ये लोग ये जो बरसों से चले आ रही है वो काम है, बस इसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइव किया है इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के हिसाब से, छोटे प्रोडक्ट्स बनवाए हैं और एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम इसको अपने मतलब उनको ट्रेंड करते हैं जो आर्टिजन्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उस हिसाब से वो डेवलप करते हैं। बहुत बढ़िया, तो कारपेट्स हैं। ये भी सेम वही वही जरदोजी, हाँ साइज में बड़ी, ये खाटू श्याम जी की मूर्ति रखी है, हाथ से करा गया काम, बहुत काफ़ी मेहनत लगती होगी इसको बनाने में लोगों को। चार लोग आठ दिन में ये कम्प्लीट कर, आठ दिन में चार लोग मिलकर बहुत ही खूबसूरत है हैंड वर्क इनका सारा, ये सारा हैंड वर्क है जी। इवन ये कारपेट जो है ये भी हैंड वर्क है। अच्छा, ये आगरा के जो आगरा रग एक समय बहुत मशहूर हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ द कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि ये मार्केट को क्लोज करना पड़ता था जी, लेकिन आज की डेट में हम लोगों ने माइक्रो स्किल के माध्यम से इस मार्केट को रिवाइव किया है, बट नॉट इन द लूम, इन द हैंड लूम। ये बेस भी हैंड लूम है, हाथ से बना हुआ है, उसके ऊपर जो आर्टिस्ट ने काम किया वो भी हाथ से, वो भी हाथ का। ये अभी गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं किस तरीके से? अभी गवर्नमेंट ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो आगरा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में हम ये आर्टिजन्स के साथ में उनको ट्रेंड कर रहे हैं और इस समय 1600 आर्टिजन्स हम लोगों के साथ हैं। अभी उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सारी इवन ओडीओ पे और एमएसएमई के साथ इनको भी इनक्लोज कर रहे हैं, और ओडीओ पी ने अभी हमारे एनएलए आर्टिजन्स को किट्स दिए क्योंकि वो ODOP के अंतर्गत आता है जी जी, लेदर में भी हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, बहुत बढ़िया। आदर्श आर्थ सेवा समिति हमारा जो NGO है जी जी, वो इस तरीके से काम करता है और अलग अलग स्किल्स पे ट्रेंड करता है। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने बताया काफ़ी जानकारी दी। ऐसे स्मार्ट सिटीज़ होंगी जो यूपी में हैं, मुझे दिखा रहे हैं बरेली, दिस प्रोजेक्ट इज बरेली हार्ट, अर्बन हार्ट एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स, इट हैज़ गॉट अर्बन हार्ट एंड दिस इज हैंडीक्राफ्ट पार्ट ऑफ द अर्बन हार्ट, सो इट हैज़ गॉट ट्रेनिंग सेंटर्स, ODOP शॉप, ऑडिटोरियम्स, ऑल बेसिकली फैसिलिटीज डेवलप फॉर स्किल्ड वर्क आर्टिजन्स, यू नो प्राइमरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स जरीज एंड मोजरी, एंड दिस इज फूड कोर्ट्स, शॉप्स, कियोस्क्स, Ferris wheel for entertainment. So this is more of a recreational and shopping experiences. This is more of a training center and ये बरेली में, बरेली में बन रहा है, बरेली prime city location, prime city location. अभी काम चल रहा है या project तैयार हो गया? The project is under development now. Under development. This is expected to be completed by
50 ऑफ जून दिस ईयर। गुलजार साहब, ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, व्हाट्स द मोड ऑफ लैंग्वेज यू यूज, इंग्लिश या हिंदी? उर्दू मेनली क्या रहता है बताइए? हिंदी रहता है। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं आपके सामने, ये अलीगढ़ का अचलताल प्रोजेक्ट है, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी द्वारा जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो एरिया था इससे पहले, ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्चुअल कंडीशन, ऐसा ही बन के निकलेगा वो। इससे पहले क्या था कि ये बहुत, इसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। बीच में जो है एक मंदिर था छोटा सा, जो अंदर इस कमरे के अंदर है, और उसके आसपास जो है यहाँ पे पूरे इलाके का जो गंदा पानी होता था, स्लज, वो इकट्ठा होता था, ठीक है। वो हमने जब से इस चीज़, इस जगह को अपने अंडर में लिया, तो व्हाट वी डिड इज़ कि इसके आसपास जो है वी हैव क्रिएटेड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ओपन एयर थिएटर्स हैं, और यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए म्यूज़िक हॉल्स, ऑडिटोरियम्स वगैरह, ये सब इस तरह की चीज़ें, प्लस यहाँ पे शॉप्स भी रहने वाली हैं। इसमें मंदिर की सामग्री भी मिलेगी, और उसके साथ साथ जो है और भी कुछ चीज़ें जो कि यू नो डे टू डे यूज़ में होती हैं वो आ सकती हैं। और इस एरिया के ऊपर हमने जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो शिव जी की मूर्ति है उसको स्थापित किया है और लिट अप कर दिया है इस पूरे एरिया को। तो अब ये जो है, पहले सिर्फ एक रिलीजियस आस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता था, अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। दिस इज़ गोइंग टू बी व्हाट यू से, जैसे आप दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को देखते हैं, वैसे ही अलीगढ़ में अचलताल को एक छोटे लेवल पे उसका एक मॉडल को स्टेबलाइज किया गया। तो अब इससे जो है पर्यटन भी, मतलब टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होंगे और एज वेल श्रद्धालु भी अट्रैक्ट होंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव यू नो ट्राइड टू डू। अभी अंडर रनिंग में चल रहा है ये, विद इन 2-3 महीने में जो है आपके सामने आ जाएगा। बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं अलीगढ़ के, जैसे वहाँ पे अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर की वीडियो चल रही है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, एक कॉर्पोरेट कमर्शियल हब के तौर पे निकल के आया, ताकि रोज़गार पैदा हो और लोगों को, जैसे यूनिवर्सिटी के AMU के जो छात्र हैं उनके लिए जो है वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अम्ब्रेला में। अलीगढ़ की मैंने आपको कहानी बताई। ये कब तक तैयार होने वाला है वाला प्रोजेक्ट? ये 2-3 महीने में जो है इसको हैंडओवर करने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो है विद इन, ये देखिए इसकी प्रोजेक्ट की वीडियो भी आ गई चलेगी। तो ये इसकी फ़िलहाल कंडीशन है, इसको इस तरह से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये जो सिचुएशन है 6 महीने पहले की है, तो इससे और बेहतर कंडीशन में आ चुका है, और भी इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये है सब कहानी। ये झांसी में तैयार हो रहा है, ये झांसी के बेसिकली प्रोजेक्ट है। इसमें झांसी का म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया है लोगों ने, और झांसी जैसे एक बहुत ही कल्चरली रेलेवेंट जगह है, झांसी की रानी थी वहाँ पे, और फ्रीडम, आप भी वहीं से हैं क्या? मैं जानता हूँ झांसी को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को नहीं पता, तो उसको म्यूज़ियम के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट सिटी का इन्होंने एक प्रोजेक्ट शोकेस किया है। ये बेंगलोर में जो स्मार्ट सिटी हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बेंगलोर के अंदर तैयार हो रही है स्मार्ट सिटी। बहुत बड़ा एक हब बनाया जा रहा है, काफ़ी मतलब अक्रॉस के कई एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसको अलग अलग तरीके से उन्होंने दिखाया है कि किस एरिया में क्या चीज़ बन रही है, कहाँ पे क्या चीज़ डेवलप होने वाली है, स्टेडियम है या मॉल है, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स, बस टर्मिनल, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है बेंगलोर के अंदर। तो इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे उनको कवर करा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्मार्ट सिटी का वर्क चला है। तो ये सामने देख रहे हैं, ये इन्होंने एक बस का मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है कि आने वाले टाइम में किस तरीके के बस स्टॉप भी ये उन स्मार्ट सिटीज़ के अंदर देने वाले हैं। ये भी एक उसी का मॉडल है, तो और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर। देख रहे हैं आप, ये एक रोबोट है,
रोबोटिक मशीन है। ड्रोन है, सब बेसिकली सामान वगैरह को डिलीवर करने के उससे बनाया है इन्होंने, एआई रोबोट बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ मैम बताएंगे इसके बारे में, इसके बारे में बताएंगे क्या यूज़ होता है इसका? यस सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जानकारी दें कि ये किस तरह वर्क। ट्रेनर ड्रोन है, ट्रेनर ड्रोन, ट्रेनर ड्रोन ट्रेनिंग पर्पस। ओके, तो ये मतलब गवर्नमेंट और ये पुलिस सप्लाई वगैरह होती है हमारी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी जाता है। अच्छा, क्योंकि अब डीजेट के ड्रोन हैं वो बैन हो गए। जी जी, इंडिजिनस जो डीजे इंडिया में बैन कर दिया, बैन हो गया, मतलब ब्लैक मार्केट से आता है, ब्लैक वैसे बैन है, वैसे बैन है। ओके, मतलब ये पूरा इंडिजिनस ड्रोन है, ये इंडिया में ही बन रहा है, हमारा नोएडा में हमारी फैक्ट्री बन रहा है। तो इसमें ठीक है, कैमरा भी लगा हुआ है और रिकॉर्डिंग, प्लस इसके हर एक पार्ट हम खुद मैनुफैक्चर करते हैं, तो अगर कुछ भी ब्रेकेज वगैरह होती है तो हम उसको इनहाउस मैनुफैक्चर करते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी ये गवर्नमेंट अपने यूज़ में ले रही है, बाकी हम मार्केट में भी सेल कर रहे हैं सर? किस मार्केट में? B2C में नहीं आया अभी। ओके, अभी B2G और गवर्नमेंट और ये आर्मी में जाता है हमारा, आर्मी वाले BSF वाले जाता है। क्या कॉस्ट है इसकी सर वैसे? इसकी 1.49 लाख है, 1.4 लाख कैमरे के साथ, बाकी 4K में भी बनाते हैं अलग अलग। ओके, इसे बड़े साइज के भी बनाते हैं हम, कस्टमर के नीड्स के साथ कस्टमाइज भी करते हैं, एग्रीकल्चर टूल भी बनाते हैं। ये सब स्टार्टअप मिशंस जो दिखाया था कि 200 प्लस स्टार्टअप्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ज़्यादातर स्टार्टअप से पूरा स्टार्टअप जोन बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो अपना लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी हैं, कुछ हेल्थ के और उसमें अलग अलग डिवीज़न में इन्होंने बांटा हुआ है इसको, देख रहे हैं आप। ये भी एक स्टार्टअप है, सामने वाला स्टार्टअप हब है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप की कॉन्फ्रेंस और पैनल डिस्कशन वगैरह चल रहा है। तो अभी हम सामने आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं और काफ़ी अच्छा ही एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो कुछ स्टार्टअप वगैरह इस तरीके से देखते हैं क्या हो रहा है। स्टार्टअप इंटीग्रेटेड डाटा एंड टेक्नोलॉजी, ये देख रहे हैं आप, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, स्टाफ ट्रैकिंग फॉर होटल, ये सारी चीज़ें। Myself Manoj Lamba, I am founder of Okma 360. We are a truly 360 dedicated platform, just like Instagram. But everything will be there in 360 VR. Actually, VR portion, videos wala portion, hamesha untapped raha hai. Uske potential kabhi nikal ke hi nahi aaye. But we are making it accessible to everyone, affordable to everyone. We are bringing content to VR also.
सो आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हो, आप घर बैठे बैठे कोई भी स्पोर्ट्स चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो कहीं भी हो उसको लाइव देख सकते हो, फील कर सकते हो, यू आर प्रेजेंट देयर। हम वी आर वेडिंग्स में भी लेके आए हैं, यू विल फील लाइक यू आर प्रेजेंट देयर आफ्टर 40 to 50 ईयर आल्सो। इसी के साथ ही आपके बूढ़े माँ बाप हैं वो परेशान हैं, वो नहीं जा सकते कहीं भी घूमने के लिए, उनके लिए हम वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल जो भी है वो आप घर बैठे उनको दिखा सकते हो। आप बेसिकली अपने आपके रियल एस्टेट का काम है आपको वीआर टूर बनवाने, वो वीआर टूर हम बना के देते हैं। आपको कहीं भी जाके प्रॉपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है। इन स्टडीज़ वी आर कोलेबरेटिंग सम विद सम यूनिवर्सिटीज़ जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हम वीआर के अंदर वीडियोज़ बना रहे हैं, जैसे सर्जरीज वगैरह होती है वो सब स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई जा सकती, बट हम उसको रिकॉर्ड करके 360 में और वो स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। दे विल फील लाइक दे आर प्रेजेंट इन ओटी ऑल्सो, तो उनको लगेगा वहीं प्रेजेंट है और बैकग्राउंड वॉइस में हम सबको समझा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे 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 पॉसिबल है। सो इसमें काफ़ी अनटैप पोटेंशियल है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये पहला 360 डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ सब कुछ 360 में होगा, लाइक इंस्टाग्राम फॉर वीआर। ऐप के अंदर जो प्री रिकॉर्डेड चीज़ें होगी वो सब फ्री होगी, जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो गया, रेसिंग कार रेसिंग बाइक रेसिंग या कोई स्केटबोर्डिंग की वीडियो या आपको न्यूयॉर्क की वीडियो है या स्विट्जरलैंड की वीडियो, एवरीथिंग विल बी फ्री। जो चीज़ें लाइव स्ट्रीम होंगी जैसे लाइव स्पोर्ट्स हो गए लाइव कॉन्सर्ट हो गया, उसके लिए आपको 899 फॉर ईयरली पे करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको वीआर फ्री मिलेगा। जस्ट लाइक दिस वन, ये वीआर हेडसेट, इसके अंदर आप अपना मोबाइल यूज़ करके मोबाइल यूज़ करने के बाद आप फील ले सकते हैं घर बैठे ही वीआर की। इससे क्या है, वीआर एसेसिबल हो गया नॉर्मल पब्लिक के लिए भी। इससे पहले वीआर के लिए आपको ये ओकुलस क्वेस्ट 2 ये खरीदना पड़ता था एंड इट कॉस्ट अराउंड 40 to 50 के, जो सब नहीं खरीद सकते थे। सो ना पहले कंटेंट था, ना कोई डेडिकेटेड ऐप था, और वीआर महंगा था। हमने तीनों प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, सो वी आर ब्रिंगिंग वीडियो टू ए नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सर, आपने काफ़ी कुछ बताया, बहुत अच्छी चीज़ ये स्टार्ट करी आपने। कितना टाइम हो गया सर इसे स्टार्ट करे? अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में, बहुत बढ़िया। तो हमारे तो शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ, आप ग्रो करें और काफ़ी अच्छा चले आपका ये। बहुत ही एक यूनिक चीज़ है जो अभी तक देखने के लिए नहीं मिली। हाँ, पूरी दुनिया में नहीं हुआ। अब जैसे कोई अपनी वेडिंग वगैरह या अपना कोई भी शूट हो उसको 360 में करवाएगा तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा आपकी तरफ? सर हमारी टीम से एक बंदा या दो बंदे, डिपेंड्स कि उन्होंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, वहाँ जाएंगे, वो कैमरा इंस्टॉल करेंगे 360 और उनकी वेडिंग फिर वहाँ पे शूट करके लाएंगे, फिर हमारी कोर टीम एडिट करेगी इसको, एडिट करके फिर वो हमारे ऐप के थ्रू उसको देख सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ आपकी वेडिंग है तो आप ही देख सकते हो, उसका लिंक आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, या कोई नहीं पहुँच पाया, कोई बुजुर्ग रिश्तेदार नहीं आ पाया, उनको भेज सकते हो और वो उसको फील कर सकते हैं कि वेडिंग को हाँ ऐसी है, वो भी फील कर सकते हैं हम वहाँ प्रेजेंट है। और इवन आफ्टर 5 to 6 मंथ वी आर ब्रिंगिंग लाइव स्ट्रीमिंग इन वीआर इन वेडिंग्स आल्सो। सो आपके घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी रिश्तेदार बैठे वो एंजॉय कर सकते हैं आपकी वेडिंग को। बहुत बढ़िया, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाने वाली है कि इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है आपका, अभी कॉस्मो 360 लाइव हो जाएगा। बहुत चल रहा है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल वगैरह हो तो शेयर कर दीजिए ताकि लोग आप तो पहुँचें और कॉन्टैक्ट करें। Myself Jyotiranjan Singh, I am the deputy manager in training from Skyrider Institutions. Basically, Skyrider Institution is a skill development platform जो कि बच्चों को upskilling और upbringing में ये help करता है और उनको core sector में job दिलाता है। Basically, ये engineering students के लिए है, जैसे कि हम electrical vehicle technology, automobile technology, हमारा designing process में हम और हमारा जैसे कि ये हो गया हमारा मैकेनिकल सेक्टर, जैसे कि हम और इलेक्ट्रिकल में है रोबोटिक्स, आईओटी, और हमारा सीएसई और आईटी सेक्टर में फुल स्टैक डेवलपमेंट, पाइथन, एआई, एमएल, इसमें हम सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपस्किल करते हैं और कोर सेक्टर में प्लेसमेंट देते हैं। तो प्लेसमेंट इनोसेंस हमारा जो सर्टिफिकेशन पार्टनर्स है वो है TVS, अशोक लेलैंड का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ कोलाबोरेटेड है ओडिशा में। हमारा खुद का इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हम प्रोग्राम्स देते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए ताकि वो कोर सेक्टर में जाए और प्लेसमेंट ले। जैसे कि हमारा प्लेसमेंट रिक्रूटर्स हैं टाटा टेक्नोलॉजी, IBM, आइथर, ओकिनावा, ये सारे जो हमारा प्लेसमेंट्स देते हैं बच्चों को।
कनेक्टेड विथ ASDC, AAC, ऑटोमोटिव इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जहाँ पे है गुजरात और मारुति सुजुकी का कोलेबोरेशन, उसके साथ कोलेबोरेटेड किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से और स्किल इन ओडिशा के साथ कोलेबोरेटेड है। 600+ कॉलेजेस के साथ हम कोलेबोरेशन MOU साइन कर चुके हैं उनके बच्चों को ट्रेन करके प्लेसमेंट करने के लिए। ये हमारा और रिसेंटली इन लास्ट डिसम्बर वी हैव क्रश 1000+ प्लेसमेंट, मतलब 1000+ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दे चुके हैं कोर सेक्टर में। NIMA is working towards creating an inclusive setups in all the schools across India. We have started with one private school who never had any inclusive setup within them. We identified those students who are neurodiverse, like autistic, ADHD and etc. And now we are providing them counseling and a brain scan based solution by which helps them ki how we can teach them better and give them the better progress rate basically. इसका यूज़ आप अपने पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं, दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ प्रोडक्टिविटी और द लाइक द डे व्हेन यू आर हाईली प्रोडक्टिव। एंड उसके अलावा इस हेडसेट के थ्रू जो है आपको और चीज़ें पता चल सकती है कि इफ़ यू आर ड्राइविंग लेट से, अगर आपका दिमाग एकदम से स्लीपी मोड में आ रहा है तो इट विल अलर्ट द ड्राइवर कि प्लीज़ स्टॉप ड्राइविंग और टेक रेस्ट एंड देन गो फॉरवर्ड फॉर दैट। बाकी इसका मिलिट्री में यूज़ हो सकता है टू आइडेंटिफाई हु इज़ लाइक करियर फोकस कैसे करवा सकते हैं उनका करियर पाथवे। सो इस ब्रेन स्कैन के थ्रू हम बेसिकली आपके बारे में आपको बताते हैं एंड देन गिव यू मोर एप्लीकेशंस अराउंड इट। ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, जैसे मोबाइल से? ये अभी मोबाइल बेस्ड भी है और अभी वेबसाइट बेस्ड है लैपटॉप पर। हमने सबसे पहले स्पेशल स्कूल्स के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन हम धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, रोड सेफ्टी, देन मिलिट्री एंड एक्सेट्रा के लिए भी। जैसे मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर अगर अभी काम कर रहे हैं या दिल्ली के बाहर में ही? हम लोगों ने वैसे अभी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और अहमदाबाद चारों सिटीज़ को कर लिया है यहाँ पे। हाँ, एक एक स्कूल हमने हर जगह पे कर लिया टाइप्स एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद स्कूल्स एंड देन कॉर्पोरेट्स में भी हमने कॉन्वर्जेशन की है। जैसे कुछ क्लाइंट्स सिंगापुर से हमें अभी अप्रोच कर रहे हैं, वी विल बी ट्राइंग टू गेट देम ऑल्सो। सत्य साई की है, नवज्योति की है, होली हार्ट द्वारका में है एंड एक दो और स्कूल है ना, आई थिंक 3 स्कूल्स विद इन दिल्ली। देन अहमदाबाद में देर इज भुज में स्कूल है धनवंतरी, देन मुंबई में देर इज नव दिव्यांग एंड बैंगलोर में देर इज अ फाउंडेशन विन वया फाउंडेशन। थैंक यू।